सोमवार को ही अपने वीडियो के साथ ट्विटर पर धमाकेदार एंट्री लेने वाले अभिजीत भट्टाचार्य का एक नया अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल 22 मई को JNU की एक स्टूडेंट शला राशिद के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें करी थी, जिसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। बता दें कि अभिजीत ने अपने वीडियो में बताया कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम से फेक अकाउंट बनाकर उनको बदनाम करा जा रहा है, इसलिए अभिजीत ने एक नया अकाउंट बनाया था और उसमें ये वीडियो पोस्ट किया था। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, मैं उन आवाज़ों के खिलाफ हूँ जो देश के खिलाफ नारा लगाते हैं, जो इंडियन आर्मी के खिलाफ नारा लगाते हैं। आप सब, हम सब एक साथ हैं। मैंने ये ट्वीट, मेरा ये ट्विटर मैंने अभी शुरू किया है, जब तक मेरा वेरीफाइड ट्विटर फिर से एक्टिव नहीं होता तब आप लोग मुझे सिर्फ इसी ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कीजिए, बाकी सब फेक हैं, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई एम बैक। देश के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का सफाया हम सब मिलके करेंगे। भारत माता की जय, अगेन वंदे। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अभिजीत अपने किसी विवादित ट्वीट की वजह से खबरों में आए हो। उनके इस ट्वीट पर भी लोगों ने काफी आपत्ति जताई थी। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने परेश रावल के ट्वीट का सपोर्ट करते हुए अरुंधति रॉय को गोली मार देने की बात कही थी। उनके इस ट्वीट पर भी लोगों ने काफी आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, अभिजीत ने जानी मानी पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। वेल, भले ट्विटर बार बार अभिजीत का अकाउंट डिलीट करता हो, लेकिन जब अभिजीत का नया अकाउंट बना तो कुछ ही घंटों के अंदर उनके काफी फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे। NMS न्यूज की रिपोर्ट।